जी डियर स्टूडेंट्स, लुबैना आ गई शमसा जी। स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? जी स्टूडेंट्स, आप अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह का जब बिहेवियर करोगे कि लेक्चर के एंड तक भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो फिर मेरा भी पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा। नो मैम, आवाज़ नहीं आ रही। मैं तो बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है। आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? जी शमसा, मैं ये मैसेज देना चाह रही थी कि बेटा आप लोग एट द एंड ऑफ जो है लेक्चर आए थे 9:30 के करीब। 8:30 बजे लेक्चर शुरू होता है, चले बंदा 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है। आप लोग जो है 9:25 पे एंटर हुए थे मेरे लेक्चर में। सिर्फ 3 स्टूडेंट पहले आए थे, जिसमें से रोनिका, निम्रा और कौन थी, रोनिका और निम्रा थी पहले आई। बस बाकी सारे लोग बाद में आए, तकरीबन 1 घंटा बाद। तो अभी तक एंटर होते होते आप लोगों ने 2 घंटे लगा दिए, जिसकी वजह से मैं आपको जो मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हो पाई कि मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊँ। ठीक है, निम्रा महीन शहजादी, मेरी बात सुन लो आप लोग, कि आप लोग जो है सिर्फ निम्रा, आप, रोनिका और एक और स्टूडेंट थी जो पहले आए थे लेक्चर के टाइम, बाकी रोनिका और निम्रा आई थी, बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत लेट आए। वो 9:25 पे आए थे, 9:30 पे मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता। तो अब मुझे ये बताओ कि लेक्चर के बिल्कुल 5 मिनट जब रहते होंगे तो मैडम रुबीना आप लोगों को क्या रिवीजन कराएगी? और दूसरी बात ये, जब स्टूडेंट्स नहीं आते, 1, 2, 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो टीचर जो है वो फेड अप हो जाता है, उसका पढ़ाने को दिल नहीं करता, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा होता कि मैं कैसे पढ़ाऊँ इन 3-4 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे से अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है, तो आप लोग कम अज़ कम, चलिए 2 आवर्स है, मैं, मुझे पता है कि आप लोग फास्ट में हो, मेरा भी रोज़ा होता है, तो कम से कम 1 घंटा बंदा रिवीजन कर ले, 1 घंटा मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया करूँगी। लेकिन आप प्रेजेंट तो हो ना, अभी भी देखें आप में से निम्रा 1, शमसा 2, खुशनू 3, अदीना 4, लुबैना 5, राबिया 6, समना 7, 7 स्टूडेंट सिर्फ प्रेजेंट है अभी भी। तो हमारे पास मिनिमम भी 22 स्टूडेंट है, 22 स्टूडेंट्स में से 2 घंटे में अगर 7 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, तो मुझे आप खुद ही बताओ, वो भी 7 स्टूडेंट जो हैं वो 1 घंटे के बाद एंटर होंगे, तो टीचर का जी चाहेगा कि वो पढ़ाए आप लोगों को? तो रीज़न इज़ दैट मैं आज इतनी फेड अप हुई हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आप लोगों की क्लास लूँ, क्योंकि अगर 3 लोगों के लिए बोलना रोज़े में मैंने 2 घंटे, तो बाकी क्लास का रिजल्ट मेरे लिए तो नहीं अच्छा आएगा ना, तो मुझे फिर 3 के लिए भी बोलने के लिए फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने भी पास होना होगा तो हो जाएंगे। तो इसलिए क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करो। आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करो कि मैडम कह रही हैं रमज़ान में जो 2 घंटे आपके इकट्ठे हैं, 1 घंटा मैं अच्छे से रिवीजन करा दिया करूँगी और 1 घंटा जो है वो सेल्फ स्टडी कर लिया करें। मैं इतनी रिलैक्सेशन कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, बट ये नहीं कि आप 2 घंटे में सिर्फ 6 या 7 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हों। ठीक है, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि मैंने आज आप लोगों के लिए रिवीजन क्यों नहीं कराई। यू नो वेरी वेल कि मेरा रिवीजन करवाने का जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा है, कि मैं एक एक चीज़ जो है वो चूज़ कर करके आप लोगों को रिवीजन करा रही होती हूँ, पूरा लेक्चर जो है वो यहाँ रिवाइज हो जाता। लेकिन बेटा जब कोई आएगा ही नहीं, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, तो टीचर का नहीं दिल करता पढ़ाने को फिर।
ठीक है, क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करो, क्लास से कहो कि हम लोगों ने पास होना है बेटा, आप लोगों ने पास होना, अगर रिवीजन नहीं करोगे, बुक को टच नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मैं अटेंडेंस ले रही थी आप लोगों की, अब मेरे टिप ऑफ द फिंगर है मेरे साथ सहरिश, अब आइए सहरिश, आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं, 2 घंटे के बाद अटेंडेंस लगाने आ चुकी हो आप, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।